हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सेप्टेक स्टार में। तो आज मैं बताऊंगा आप वॉशिंग मशीन की बफर सील किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो आपके स्पिनर ड्रम में लगती है। तो दोस्तों, ये सबसे पहला ये जो रबड़ इसके ऊपर लगी हुई है, इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे प्लास्टिक। देखिए इस तरीके से रबड़ हमने खींच के बाहर निकाल लिए। ये देखिए रबड़ हमारी बाहर आ गई है। ये देखिए हमारी ये सील लॉक, इसी से सील लॉक होती है हमारी। ये सील लॉक का पार्ट है, इसको भी हम प्लास्टिक की मदद से खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी सील बाहर निकाल ली है। ये काफी सारी मशीन में इसी तरीके से लॉक वाली सील आती है। ये देखिए इसमें लॉक दिए गए हैं, और काफी सारी मशीन में ये उसमें थ्रेड दी गई होती है। आप उसको चूड़ी वाली होती है, आप उसको खोल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी सफाई करते हैं, फिर और नई सील इसके बाद इसमें इंस्टॉल करेंगे हम। चलिए पहले इसकी सफाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये आपको ध्यान जरूर रखना है कि इसकी आप नया बफर लगाने से पहले इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर ले, इस पर कोई डस्ट या फिर कोई ग्लू वगैरह ना रहे। तो ये है हमारी LG की ओरिजिनल बफर सील, ये हमारी बफर रबड़, और ये बफर लॉक। इन दोनों पार्ट को एक जगह असेंबल करके बनती है बफर सील। ये हमारा LG का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है, LG जेन्युइन पार्ट। ये भी LG का जेन्युइन पार्ट है, दोनों जेन्युइन एसेसरीज हैं। तो चलिए दोनों खोल के हम असेंबल करते हैं। देखिए ये हमारी बफर रबड़, और लॉक को ओपन करते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके से लॉकिंग पिन को बाहर निकाल लेना है, ताकि आपको इंस्टॉल करने में आसानी हो। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में। देखिए दोस्तों, ये है हमारा फेवी बॉन्ड। तो हम ये देखिए इस तरीके से इसके कॉर्नर पर फेवी बॉन्ड को लगाएंगे, ताकि जो हमारे लीकेज के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना रहें। आपको ये ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल क्लीन करके आपको तभी ये फेवी बॉन्ड इस पर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको लगा देना, ताकि इसमें बिल्कुल गैप ना रहे। ये देखिए हमने बॉन्ड लगा दिया है। देखिए दोस्तों, हमने इसमें फेवी बॉन्ड लगा दिया है। ये देखिए हम इसमें अब बफर सील इसमें लगाते हैं। इस तरीके से आपको इस पर रखना है। ये देखिए आप चाहें तो इसको दबा के भी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, और कोई बॉक्स या कोई डब्बा लेके इसको इस तरीके से इस पर रख के आप इसको पुश करके भी ला सकते हैं। ये देखिए ये देखिए हमारी सील अच्छी तरीके से लग चुकी है। देखिए दोस्तों, हाँ ये हमारी सील लॉक हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो आप भी इस तरीके से बफर सील को चेंज कर सकते हैं। ये सारे लोग इसमें अच्छी तरीके से बैठ गए। ये
देखिए हमारी सील लग चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा फेविबॉन्ड ये पेस्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियो को।